75 ఏళ్లలో పార్లమెంటు జన భావనలకు దర్పణం పట్టిందన్నారు ప్రధాని మోదీ. ప్రజల ఆశలు ఆకాంక్షలకు పాత భవనం వేదికైందని ప్రధాని తెలిపారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పుడు భారత భవిష్యత్తుపై అనేక అనుమానాలు ఉండేవన్న మోదీ, ప్రజాస్వామ్య ప్రయాణం వాటిని పటాపంచలు చేసిందన్నారు. కొత్త పార్లమెంటు భవనానికి తరలి వెళ్లిన పాత భవనం భవిష్యత్తు తరాలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని మోదీ చెప్పారు. ప్రత్యేక సమావేశాల తొలి రోజు లోక్సభను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు. जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई तो उत्सव छत्तीसगढ़ ने भी मनाया, उत्सव मध्य प्रदेश ने भी मनाया. जब उत्तराखंड की रचना हुई तो उत्सव उत्तराखंड ने भी मनाया, उत्सव उत्तर प्रदेश ने भी मनाया. जब झारखंड की रचना हुई तो उत्सव झारखंड ने भी मनाया, उत्सव बिहार ने भी बताया. ये हमारे सदन का सामर्थ्य, सब सहमति का वातावरण बना करके. लेकिन कुछ कड़वी यादें वो भी है कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी बही और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया, न आंध्र उत्सव मना पाया. एक कटुता के बीज बो दिए गए. अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता. आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था. आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली. ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के. इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी. हम भले नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा. ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा. अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है. चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है. ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई